हेलो गाइस, कैसा चल रहा है भाई? आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ जो कि फ्रीलांसिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको सबको बताऊंगा कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है एंड जॉब एंड फ्रीलांसिंग क्या प्रिफरेबल है हमें जब हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद में आपको बताऊंगा कि भाई हमें जॉब हुआ तो हमें हमारे पास टाइम रहता है क्या फ्रीलांसिंग करने के लिए, एंड हम फ्रीलांसिंग से 50,000 और 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं कि नहीं, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है। तो पहले तो एक बात बताओ कि भाई जो जॉब करते हैं एंड फ्रीलांसिंग करते हैं वो एक तरह से हम पैसा कमाने का लाइक जॉब ही हमारा, तो वैसे ही हम जैसे जॉब करते हैं कंपनी के लिए, तो हम जो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट कंपनी को कहाँ से मिलता है? वो प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है कि जो क्लाइंट होते हैं, जो जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी लाइक ऐप बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, वो कंपनी के पास जाता है कि भाई हमें ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। तो एंड जो कंपनी है, हमारे जो टीम्स रहती है, उस टीम को वो प्रोजेक्ट दे देती है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, आप कर लो। तो हम जैसे प्रोजेक्ट करते हैं तो और हमें महीने की सैलरी मिल जाती है, लेकिन जो क्लाइंट्स डायरेक्टली डेवलपर के पास आता है कि भाई हमें ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि हम कि आप हमको ये कर देंगे, इतना इतना पैसा है, इतना इतना टाइम लिमिट है। तो जो चीज़ें वो डेवलपर को करने के लिए बोलते हैं तो हम उसको हम फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। लाइक हम डेवलपर उस चीज़ों को फ्रीलांसिंग कहते हैं कि हम डायरेक्ट क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करें एंड उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जो भी पेमेंट है वो हम एक्सेप्ट कर लें इंडिविजुअली, ठीक है, उसे हम फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। एंड ज़्यादातर लोग यार फ्रीलांसिंग करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर। तो एंड जो भी जॉब से पैसे कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा फ्रीलांसिंग से कमाते हैं, लेकिन उसका रियलिटी क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। आपको पता दिया कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है, तो हम जो भी क्लाइंट से डायरेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं एंड उनको रिटर्न करते हैं, एंड उसके रिटर्न में हम जो हमारा कॉस्ट है ऐप का, सॉफ्टवेयर का, वो हम उनसे लेते हैं डायरेक्टली। एंड दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि भाई जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग क्या प्रिफरेबल है। एंड मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि जॉब में सिक्योरिटी रहती है, लेकिन फ्रीलांसिंग में एक फ्रीलांसिंग एक बिजनेस के जैसा ही है भाई, उसमें उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। जैसे हम प्रोजेक्ट मिलेगा तभी हम काम करेंगे, अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला तो यार 2-3 महीने, यार 1 साल तक भी कभी कभी मिल नहीं सकता। जो फ्रेशर रहते हैं ना, लाइक जो स्टार्टिंग आउट करते हैं, उनको नहीं मिलता है भाई। लेकिन जब तुम स्टार्ट करते हो लाइक एक दो साल के बाद तुम्हारा जो लाइक एक ब्रांड बन जाता है भाई। जो ब्रांड मतलब भाई ये डेवलपर बहुत अच्छा है, ये डेवलपर आपको बहुत अच्छा काम कर देता है, उसका भी लाइक रैंकिंग रहता है 5 स्टार 6 स्टार। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स है वहाँ से हम लाइक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लाइक मैं तो भाई एक डेवलपर के लिए बता रहा हूँ भाई, बाकी चीज़ों का पता नहीं मुझे एंड्रॉयड डेवलपर के लिए। एंड पहले तो मैं आपको बताऊंगा भाई वो लाइक वेबसाइट्स कौन सी है जो मैं प्रिफर करता हूँ। लाइक पहली तो भाई freelancer.com, लेकिन उसमें उसके अंदर बहुत सारी बिडिंग रहती है, तो यार उसके अंदर मैं तो फ्रेशर्स को नहीं बोलूँगा कि भाई करो, लेकिन उसमें यार बहुत सारा पचड़ा रहता है। लेकिन एक और है जो हम fiverr.com, उसके अंदर आप यार अपना रैंकिंग बढ़ा लो लाइक 5 स्टार एवरी प्रोजेक्ट के पीछे, अगर आपको लाइक 5 स्टार 10 रिव्यूज ऐसे मिले होंगे तो आपका यार अच्छी तरह से आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे महीने के महीने, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब तक आपको लाइक 5 स्टार 6 स्टार ऐसे मिलती नहीं, तब तक आपको लाइक प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे और आपकी लाइक ग्रोथ नहीं होगी फ्रीलांसिंग के अंदर, ठीक है। तो भाई इंडिविजुअली सिर्फ लाइक जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इंडिविजुअली, यार वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है अगर आप फ्रेशर्स हो। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई पहले जॉब करो 1-2 साल एंड उसके साथ फ्रीलांसिंग करो लाइक साइड में। एंड बट आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा वीकेंड के अंदर, एंड जब आप काम करते होंगे ना उसके बाद भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा तभी आपको फ्रीलांसिंग जमेगा, क्योंकि भाई फ्रीलांसिंग में टाइम लिमिट रहती है, इतने टाइम में इतना करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो यार क्लाइंट तो लाइक नाराज हो जाएगा और आपको लाइक 1 और 2 स्टार दे दिया तो आपका रैंकिंग कम हो जाएगा यार। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करना है तो यार थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। तो पहली चीज़ ये है कि यार जॉब एंड फ्रीलांसिंग बहुत सारा डिफरेंस है। जॉब के अंदर
सिक्योरिटी रहती है फ्रीलैंसिंग के अंदर नहीं रहती है, ठीक है। एंड इंडिविजुअली फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो तो यार एक दो साल का जॉब का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद ही करो। अरे जॉब तो करना ही है भाई जिंदगी भर, अगर नहीं जमा ये तो, ठीक है। उसका उसके बाद और एक पॉइंट हमारा है कि लाइक हाउ मच मनी रियली डेवलपर मेक्स बाय फ्रीलैंसिंग। यार मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊँ भाई, इंडियन डेवलपर है ना वो 1 लाख और 2 लाख से ऊपर बनाते हैं फ्रीलैंसिंग से। लेकिन उनका एक रीजन है भाई, वो इनका इतना कैसे बनाते हैं भाई, इतना बनाने के लिए उनका एक ब्रांड बना रहता है भाई। मैंने जो बताया कि भाई 1-2 साल उनका लाइक बहुत कम पैसों में काम करना पड़ता है यार, हमारा रैंकिंग बढ़ाना पड़ता है बहुत सारा, कभी कभी फ्री में भी काम करना पड़ता है भाई। हमें भाई 5 स्टार दे दो, रिव्यूज दे दो भाई, इसके लिए फ्री में भी काम करना पड़ता है। इसलिए भाई पहले तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर स्किल्स नहीं हुई ना तो आपको लाइक प्रोजेक्ट भी उठाने में प्रॉब्लम आ जाएगा। लाइक किसी ने आपको आपको बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट करना है लेकिन आपको पता नहीं भाई कैसे करना है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई पहले 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लो कंपनी से, एंड अपना फ्रीलैंसिंग का चाहिए रेटिंग भी अच्छा कर लो, उसके बाद यार आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो, अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो, यार कोई बात नहीं। एंड जो भी फ्रेशर्स है यार, वो मैं बताऊंगा कि यार तुम फ्रेशर्स हो तो पहले अपना लाइक रैंकिंग बढ़ा लो, तभी आप लाइक इंडिविजुअली कर सकते हो। इसलिए मैं बताऊंगा कि भाई ये फ्रेशर्स के लिए फ्रीलैंसिंग प्रीफरेबल नहीं है, पहले एक्सपीरियंस ले लो उसके बाद फ्रीलैंसिंग के अंदर जाओ। और फ्रीलैंसिंग के अंदर जाने के बाद भी भाई पहले लोकल प्रोजेक्ट्स ले लो भाई, हम कर सकते हैं कि नहीं। लाइक ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट रहते हैं लाइक मैंने बताया आपको, Fiverr.com, Freelancer.com, Upwork.com, यार इससे अच्छा है कि लोकली जो मिलेगा कि नहीं वो अच्छा है। किसी लाइक कमीशन लाइक जो बीच में रहते हैं भाई, फ्रीलांसर के भी एक टीम्स रहती है, एंड आपको आपने उसको ज्वाइन किया तो भाई आपको वही से प्रोजेक्ट मिलेगा। वैसे हम कंपनी से करते हैं वही से प्रोजेक्ट मिलेगा यार, वो इंडिविजुअल हमें प्रोजेक्ट देते हैं, उसके पास लाइक उस कॉन्टैक्ट्स रहते हैं भाई अपने लोकली क्लाइंट्स के, तो आप उससे भी लाइक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एंड आखिरी बात एक बताना चाहता हूँ कि भाई इज इट रियली वर्थ डूइंग फ्रीलांसिंग, एक्चुअली इट्स अप टू यू। आई मीन इफ यू रियली वॉन्ट टू डू द फ्रीलांसिंग यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट इट्स अप टू यू। एक्चुअली फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे पचड़े हैं भाई, प्रोजेक्ट करो ये करो वो करो, बहुत स्ट्रेस है भाई उसके अंदर। अगर आपको जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो यार छोड़ दो, ये अपना जॉब तो है हमारे पीछे कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार फ्रीलांसिंग में लाइक साइड बिजनेस के जैसा है भाई, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लो कर लो अच्छा है। एंड आखिरी बात ये है कि भाई कैन वी लाइक डू इट विथ जॉब फ्रीलांसिंग, यार जॉब के साथ कर सकते हैं कि यार मैं तो बताऊंगा कि भाई नहीं कर सकते यार, तुम अपने चीज़ों के पीछे पड़ जाते हो। लाइक वीकेंड के अंदर भी यार तुम घूमने जाते हो कभी कभी, अपने आसपास यार ट्रैवलिंग करते हो, तो यार थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हें रिकुपरेशन करने के लिए। तो मैं बताऊंगा भाई जॉब के साथ यार मुझे तो नहीं जम रहा है, तो भाई आप भी यार सोच लो करना है कि नहीं करना। यार इट्स अप टू यू लाइक हाउ मच स्पेस कैन यू लाइक टेक अप। सॉरी यार इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा यार मुझे मदद कर दो। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।